अपने आप ही देगा तो आपको तो बीमारियां तो वैसी आनी ही आनी है एक्चुअली ऐसा मैंने देखा है इतने साल के करियर में की कई बार कुछ लोगों को नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट भी प्रॉब्लम नहीं दे रहा इन दिस एपिसोड ईशा गोयल मैम इस पॉडकास्ट में वो सारी बातें हुई हैं जो एक वास्तु शास्त्र में अगर आपकी अगर आपकी दिलचस्पी है आप इस चीज इन सारी चीजों में थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है इस पॉडकास्ट में मेरे कुछ क्यूरियस सवाल हैं जो काफी डीप लेवल पे हैं और काफी बेस लेवल पे भी हैं तो ये पॉडकास्ट एक पूरा फुल फ्लेस्ड है जहाँ पे आपको वास्तु शास्त्र से बिल्कुल प्यार से और बिल्कुल ब्रीफ में इंट्रोडक्शन हो जाएगा ईशा गोयल मैम से मैंने बहुत सारे ट्रिगरिंग सवाल पूछे मैंने उनसे पूछे कि एस्ट्रोलॉजी ज्यादा बेटर है न्यूमरोलॉजी ज्यादा बेटर है या वास्तु ज्यादा बेटर है आपको क्या कंसिडर करना चाहिए ये बहुत सालों से वास्तुशास्त्र प्रैक्टिस कर रही हैं और ये उनमें से हैं जिन्होंने खुद पहले अपना घर का वास्तु शास्त्र सेट किया हर एक इंसान की तरह जो खुद पीड़ित होता है ये उसी तरह इसमें घुसी थी जब इनको अपने पर्सनल लेवल पे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले तब इनका ट्रस्ट ज्यादा बना उसके बाद से जर्नी आगे बढ़ती गई ये प्रैक्टिस करती गई और अपनी लाइफ को क्रेजीली बहुत अच्छा कर लिया बहुत सारे इंटरनेशनल नेशनल क्लाइंट अपना वास्तु शास्त्र जितना भी सेट करना होता है इनसे हेल्प लेते हैं कंसल्टेशन लेते हैं इस पॉडकास्ट में हर एक सवाल वो आ रहा है जो आपको परेशान कर रहा है ये पॉडकास्ट बहुत important है तो ईशा गोयल मैम। मैम। और एक बार जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया अभी मेरे को और ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दे दो सो आई एम ईशा गोयल एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट आज वरुण के साथ इंटरव्यू कर रही हूँ सो ग्रेट सो स्टार्ट करते हैं आपकी स्टोरी से क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए मेरे पास बट हम पहले स्टोरी जानना चाहेंगे कि कैसे आप इसमें आए क्योंकि आपने बताया कि आप स्टार्टिंग से बिलीवर नहीं थे आप बिल्कुल प्रैक्टिस के साथ और आए और दैट्स व्हाट आई फील कि ऐसे लाइन में लोग दो तरीके से घुसते हैं या तो उनको ये दिखता है कि यार बहुत पैसा बनाया जा सकता है या उनको पर्सनली चैलेंजेस लगते हैं कि यार हमारे को कुछ परेशानी आई तो हमने अपने पे किया फिर हमारे को बिलीव हुआ और तो आपकी क्या स्टोरी है आप कैसे आए इस लाइन में Uh, मेरी शादी हुई नाइन्टी नाइन में मैं पैदा हुआ था नाइन्टीन ओके <laughs> <laughs> okay. right. तो नाइन्टी नाइन में शादी होने के बाद उसके बाद उससे पहले भी मैं वॉकिंग थी सो uh -huh. so, शादी के बाद बच्चे हुए एंड ऑल तो बहुत सारी चीज़ों में आप एक फंस के रह जाते हो तो वो चीज़ें आप कर नहीं पाते बिंग अ लेडी बहुत मुश्किलें होती हैं टू uh थाउजेंड -huh. मेरे हस्बैंड एक बैंकर हैं तो वो उनका क्या है कि टू uh, में मैं जयपुर में वो पोस्टेड थे उस टाइम मन हुआ कि नहीं यार बहुत हो गया इट्स डन ना अब कुछ करना चाहिए तो 2007 थाउजेंड सेवन आई स्टार्टेड फ्रॉम दैर फ्रॉम जयपुर तो मैंने वहाँ पर एक हैं बहुत अच्छे मेरे गुरुजी उनको मैंने वहाँ उनके पास गई और मैंने उनसे क्लासेस स्टार्ट किए हालांकि मेरा उसमें इंटरेस्ट उस टाइम था नहीं बट आई डोंट नो इट वॉज ऑल डेस्टनी मैं यही कहूँगी कि डेस्टनी में लिखा था इसलिए मैं वहाँ गई और मैंने ही शुरू किया okay. हालाँकि मैं जब भी पढ़ भी रही थी तब भी मेरा इंटरेस्ट उस हिसाब से बिल्ट नहीं हो रहा था तो मैंने पूरा कोर्स किया फिर उसके बाद मैंने जब खुद से करके देखी है ये चीज लॉन्ग विक्स उसके बाद मैंने वो इतना कोर्स में नहीं सीखा जितना मैंने प्रैक्टिस कर करके सीखा हुँ. तो पहले अपने से शुरुआत की फ्रेंड्स सर्कल से शुरुआत की रिलेटिव्स से शुरुआत की कुछ नीडी पर्सन जैसे कोई भी आ गया यार हमारा देख लो एंड ऑल लोगों ने मुझे चाय पे बुलाना शुरू कर दिया <laughs> कि आप आओ हमारे साथ चाय पियो हमने भी इसलिए बुलाया <laughs> <laughs> फिर वहाँ पर चाय के साथ साथ वास्तु डिस्कस होता था तो आई डेड मगर मैंने वो जो चीज़ें और उसके बाद जो मैं एडवाइजर्स लोगों को देखती थी उसके बाद जो रिजल्ट आते थे तब मुझे ये लगा कि नहीं ये वर्क करता है तो, तो फिर उस चीज पर मैंने और ज्यादा पढ़ना शुरू किया Hmm. तो वो जो मेरी स्टडी थी सिक्स मंथ्स hmm. वो तो था ही क्योंकि वो बहुत इंटरेस्ट के साथ नहीं थी फिर मैंने इसमें और डीप नॉलेज लेनी चाहिए तब मैं इस चीज को समझी हूं कि पूरा का पूरा साइंस बेस्ड ऑन साइंस फाइव एलिमेंट्स पे बेस करता है आपके डायरेक्शन पे बेस्ड करता है आपकी ह्यूमन बॉडी ही पाँच तत्वों से मिलकर बनी है तो पांच तत्वों को हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं डायरेक्शन्स है। पूरी पृथ्वी पे है ही ब्रह्मांड में वो हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं प्लैनेट्स है। पे वर्क करता है प्लैनेट्स को हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं है। तो सारी चीज़ें जब ये हमें मिली ही एक यूनिवर्स में हमें मिली हुई हैं और ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं तो वास्तु क्यों नहीं काम करेगा तो उसके हिसाब से फिर इस चीज़ को मैंने लगाना शुरू किया तब मैंने इसको एज अ प्रोफेशन ऑप किया तब मैंने okay. थोड़ा so, थोड़ा पहला सवाल यही कि सबसे पहले कि आप लोग इसको जैसे कि हमारे पास बहुत नॉर्मल चीजों में हम मेजर कर सकते हैं कि यार इसका आउटपुट ये आया कि हमने सपोज कैमरा ऑन किया एक घंटे बाद रिकॉर्डिंग प्ले करने के बाद हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे एक आउटपुट है तो हमारे को बिलीव हो जाता है बट आपके केस में आप कुछ चीजें जैसे मेरी एक नॉलेज के हिसाब से सपोज आपने कहा कि हमारे को इस डायरेक्शन में ये ये चीज रखनी है है अब इसका मेजर मेजर होगा उसको करने में कितना टाइम जाता है, हमारे को क्या वो उसमें बिलीव भी डालना है सपोज जैसे मैं नॉन बिलीवर हूँ और आपने मेरे को कहा कि बस अपना ये चेंज कर लो तो क्या मेरे को उसको बिलीव के साथ करना है नॉन बिलीव के साथ करना है या बस कर देना है तो इस, इस सारी चीजों के पीछे कैसे होता पहली है पहली चीज तो बिलीव के साथ अगर आपका बिलीव ही उस चीज में नहीं है तो कभी आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगी okay. दूसरा आप कोई भी चेंजेस अगर किसी के घर में कराते हो मान लो फॉर uh, आपके घर में ही मैंने वास्तु विजिट किया मैंने आपको कुछ चेंजेस बताए कि आपको ये चीज यहाँ करनी है यहाँ ये कलर होना चाहिए आप इसकी पोजिशनिंग चेंज करो तो वो जो रिजल्ट आने में ही फोर्टी टू सिक्सटी डेज लगते हैं इतना hmm. टाइम हमें लेके चलना पड़ता है उसका मैं आपको रीजन बताती जैसे मान लीजिए हम सो भी रहे हैं। रात को हम सो गए मॉर्निंग में मैं उटते, उटते ही हम हैं। जब आप छेड़ोगे तो धीरे 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 उनके रिजल्ट्स आने शुरू होंगे एकदम से एनर्जी नहीं चेंज हो जाएगी कि आज मैंने किया और आपको कल से रिजल्ट्स मिल जाएंगे exactly. सही अब इसके बाद ही एक और सवाल मेरे अंदर आ गया कि अगर सपोज जैसे कि आपने कहा कि हमको कोई भी चीज़ कर रहा है हमें बिलीव होना चाहिए तब उसके आउटपुट आते हैं चांसेस बढ़ जाते हैं अगर मेरे को उस चीज़ में बिलीव नहीं है तो उसके नेगेटिव आउटपुट जैसे कि कहते हैं कि आपके घर में जैसे मेरी अभी आचार्य पंकित सर के साथ हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आपका इस डायरेक्शन में अगर वॉशरूम है तो पॉसिबिलिटीज है कि कैंसर बढ़ जाएंगे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो अगर मैं बिलीव ही नहीं कर रहा कि मेरे इस डायरेक्शन में कैंसर तो कैंसर हो रहा है तो मेरे साथ नेगेटिव भी क्यों हो रहा है तो एक ये भी सवाल आता है नहीं आप बिलीव नहीं कर रहे हो बट दैट इज योर डेस्टिनी पहली बात तो अब मैंने आपको इस चीज में कि आपका ये वास्तु आपका एस्ट्रो मैंने अपनी वीडियोस में भी बोला है आपका वास्तु एस्ट्रो ये दोनों इंटरलिंक्ड है right. पहली बात तो आपको ऐसा घर जिसमें आपको ऐसी डायरेक्शन जो कि आपके नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट के hmm. डायरेक्शन में अगर आपको वॉशरूम मिल रहा है आपको किचन मिल रही है तो दैट इज योर डेस्टिनी वो आपको मिला है वैसा तो बिलीव करो या नहीं करो बिलीव तो अपने आप करा देता है जब उसके आउटकम्स आते हैं ना आपने ले लिया मैंने बहुत ऐसे क्लाइंट्स देखे नहीं हम तो बिलीव नहीं करते नहीं। उसके बाद ले लिया और उसके बाद साल दो साल बाद वो उसके जब इफेक्ट्स इफेक्ट्स पूरे बाहर आते हैं ना तब उनको प्रॉब्लम्स पता लगती हैं तब वो फिर वो नॉन बिलीवर्स बिलीवर्स हो जाते हैं वो मगर वो टाइम गलत हो जाता है पहले आपको वो चीज पहले देख के ही लेनी है नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शन विच इज वेरी सेंसिटिव वहां पर अगर हम कोई भी चीज बना रहे हैं मान लो अब नॉर्थ इज इज डायरेक्शन ऑफ वॉटर एलिमेंट इज वॉटर एंड पूजा पाठ के डायरेक्शन है अब आपने वहां टॉयलेट बनाओगे डिस्पोजल के लिए यूज करोगे राहु को एक्टिवेट करोगे तो वो तो प्रॉब्लम अपने आप ही देगा तो आपको तो बीमारियां तो वैसी आनी ही आनी है ठीक है right. तो आप वहां उससे एंटी आप कुछ भी करो तो नॉन बिलीवर आप होके भी कर लो मगर आपको बिलीवर तो अपने आप हाँ बना देती है जब <laughs> प्रॉब्लम्स आती है सिर पे डंडा पड़ता तो अगला राइट अच्छे अच्छे को ओके गॉट इट सो आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं डेफिनेटली तो सबसे कॉमन चीज आपने क्या देखी कि मोस्टली लोग आ रहे हैं देखो मेरा मानना hmm. ऐसा है कि hmm. ज़्यादातर आपके पास क्लाइंट वो आते होंगे जो वो पीड़ा में होंगे बिल्कुल राइट right? जब तक सब कुछ सही चल रहा है तब तक वो ऐसी चीजों में कोई नहीं ध्यान देते इनफैक्ट भगवान की पूजा भी लोग तभी ज़्यादा करने लग जाते हैं जब, जब किसी परेशानी में हो तो डेफिनेटली आपके पास भी तब आते हैं तो कॉमन सबसे ज्यादा कॉमन क्या होता है जो लोगों की परेशानी आपके पास आ रही है एक पैटर्न आपने नोटिस किया होगा आप सोलह साल से कर रहे हो ये चीज तो क्या है कि ऐसा कि हर इंसान आपको लग रहा है यार ये फिर वही चीज़ है फिर वही चीज़ है क्या कॉमन पैटर्न है हाँ जब पहली बात तो जो हमें जो प्रॉब्लम्स में जो बुलाते हैं उसमें मैंने मैक्सिमम नोटिस किया क्योंकि मेरे काम है स्टडी करना मैं हुँ। पढ़ती हूँ और देखती भी हूँ कि ये चीजें ही मेरे पास बार बार आ रही हैं तो मोस्टली क्या होता है कि लोगों की या तो राहु की एंट्री होती है साउथ वेस्ट की एंट्री तो साउथ वेस्ट की एंट्री की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है या फिर वही नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम तो नॉर्थ ईस्ट okay. का वॉशरूम या किचन होगी या साउथ वेस्ट की एंट्री होगी और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज यह है कि जब मैं इसके बाद उनकी डिटेल्स मांगती हूँ पत्र डिटेल्स जब मैं उनकी मांगती हूँ बर्थ टाइम एंड ऑल तो पता लगता है कि उनकी दशा या अंतरदशा भी राहू की चल रही होती है एक्चुअली ऐसा मैंने देखा है इतने साल के करियर में कि कई बार कुछ लोगों को नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट भी प्रॉब्लम नहीं दे रहा है ये भी मैंने देखा है नहीं दे रहा है क्यों क्योंकि उनकी दशाएं इतनी फेवरेबल चल रही हैं उनकी डेस्टिनी इतनी स्ट्रांग है कि उनको वो प्रॉब्लम वहां से नहीं आ रही बहुत कम आ रही है ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं आ रही मगर बहुत कम आ रही है वो उनके लिए बहुत आ, राइट तो वो उस चीज से ओवरकम कर पा रहे हैं मगर अगर आपने ऐसे में आपकी दशा ही अब आपकी एंट्री भी राहू की है और आपको दशा भी मिल गई राहू की तो वो प्रॉब्लम ही है और जब आपकी राहू की दशा चलती है तो आपको राहु की एंट्री वाले घर मिलते ही है दैट इज फॉर श्योर ये भी मैंने इतने सालों में देखा <laughs> तो मोस्टली हमें जो बुलाते तो रहु हैं राहु खुद अट्रैक्ट करता राहु खुद अट्रैक्ट करता है राइट राहु का काम है अट्रैक्ट करना और राहु आपको प्रॉपर्टीज भी ऐसी दिखाएगा कि आपका अट्रैक्शन इतना ज्यादा होगा उस प्रॉपर्टी पे क्या आप वो छोड़ ही नहीं पाओगे बीइंग अ वास्तु एक्सपर्ट अगर मैंने एक को मना भी किया ये भी मेरे साथ हुआ है मैंने मना किया उन्होंने मुझे बोला मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं लेना है ये आपको प्रॉब्लम में ले आएगा साउथ साउथ वेस्ट की एंट्री थी हाँ तो मैंने मना किया वो नहीं माने हाँ उसके बाद उनके साथ जो जो हुआ उसके बाद मेरे पास कॉल भी आया उनका कि जिनके नाम से वो प्रॉपर्टी थी कोविड के टाइम पे ही एक्सपायर्ड तो वो चीजें अब ये ना लोग मैंने कहा ना कि बिलीव नहीं किया उस टाइम नहीं माना मगर प्रॉब्लम जब आ गई तो उसके पास कोई सोल्यूशन भी नहीं है आपके पास तो आप इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हो तो मैगजिमम वही लोग बुलाते हैं जिनकी या तो राहु की एंट्री होती है वो मैंने देखा है हमेशा या फिर नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट या किचन होती है या फिर दोनों होता है ऐसा भी है साउथ वेस्ट की एंट्री भी है और नॉर्थ ईस्ट की किचन भी है ख़त्म कर देता है ऐसा घर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रेजी ओके okay. थोड़ा राहु को एक्सप्लेन करोगे कि राहु की दशा और जो भी होता है क्या होता है ना राहु इज पार्ट हाँ. एक राक्षस था आपको पता ही होगा अमृत निकला और उन्होंने पी लिया तो एग्जिस्टेंस राहु की तो खुद नहीं है बट राहु हेड uh, पार्ट है जब भी किसी प्लान के साथ बैठता है आपकी पत्री में तो उसकी तरह ही बिहेव करता है ठीक है अच्छे प्लान के साथ बैठा है कि आप उस कौन से घर में बैठा है उस तरह से बिहेव करेगा गलत प्लानट के साथ बैठा है तो उस तरह से बिहेव करेगा आपकी पत्री में कौन से घर में बैठा है वो भी बहुत मैटर करता है तो राहु ऐसा नहीं है कि गलत ही देता है ये भी कहना गलत होगा सारे प्लानट्स अच्छे हैं सारे प्लैनेट्स खराब हैं है। आप चाहे सूर्य और चंद्रमा की भी बात कर लो सूर्य भी अपने आप में क्रूर है अगर अगर आपकी पत्री में आपका सूर्य भी नीच का है तो मैं आपको कभी एडवाइस नहीं करूंगी कि आप ईस्ट रेसिंग कर लो सेम विद राहु अगर राहु आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको साउथ वेस्ट का घर बहुत अच्छा फलता है बट ये बहुत कम होता है दिस इज ओनली आप कह सकते हो टेन परसेंट नाइन्टी परसेंट राहू की एंट्री प्रॉब्लम ही देती है तो राहु को मैं एक्सप्लेन राहु अच्छा बहुत है आज जितनी टेक्नोलॉजी के साथ हम मैं आज मैं और आप अगर बात कर रहे हैं इंटरव्यू कर रहे हैं तो दिस इज कंप्लीट टेक्नोलॉजी दिस इज राहू तो राहु से हमें मिला बहुत कुछ है हमने ग्रो बहुत किया है तो प्लान को हम गलत नहीं कह सकते हैं like प्रॉब्लम है क्रिएट होगी hmm. अब मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मैं उसको चेंज कर सकता हूँ या इम्पैक्ट कम कर सकता हूँ इम्पैक्ट कम कर सकते हैं वी कैन नॉट चेंज एनी ओके इम्पैक्ट कम हो जाएगा वो इतना फोर्स से लगना है वो इम्पैक्ट कम हो जाएगा दैट्स इट हम किसी की डेस्टिनी नहीं चेंज कर सकते जो आप लिखवा के लाए हो जो आपके प्रारब्ध हैं जो आपने पिछले जन्म से अर्जित किया है वो आपको भोगना ही है इस जन्म में तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि एस्ट्रो और वास्तु इज कम्बाइंड कई बार लोग कई वास्तु नहीं भी देखते फिर भी मैंने उनकी प्रॉपर्टी देखी है तो वो जाके इतनी दैट इज सो परफेक्ट क्यों क्योंकि उनकी डेस्टिनी है वो चीज़ तो उनको वो मिलता है वैसा मगर मेन चीज यही है अगर हम वास्तु पे ही आ जाएं तो बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वे में। अब इसके साथ ही मैंने बाद में इंटीरियर का कोर्स किया अब मेरा वास्तु के, लोग इंटीरियर के किया, 2010. तो वो मेरा करने का रीजन ही ये था कि आप वास्तु की जब बात करते हो तो डायरेक्शंस के हर डायरेक्शन के अलग कलर्स हैं अलग कलर्स बताए जाते हैं तो हर डायरेक्शन में जब अलग कलर करोगे किसी डायरेक्शन में येलो किसी में ब्लू किसी में ग्रीन किसी में व्हाइट आपने पूरा घर एक मतलब अलग अलग कलर से पेंट तो नहीं करोगे आपका वास्तु पूरा इंटीरियर खराब हो जाएगा हुँ. मैं वैसे ही बहुत मेरे ब्लड में है डेकोरेशन मुझे हुँ. बहुत अच्छा इंटीरियर मुझे अच्छा लगता है तो मैं किसी का घर कैसे खराब करा दूँ तो वो चीज़ मैंने सीखी फिर प्रॉपर तरीके से आज जो मैं सर्विसेज देती हूँ वो एज़ पर इंटीरियर्स देती हूँ आपका इंटीरियर भी खराब ना हो अगर मुझे कोई कलर किसी रूम में एक्टिवेट करना है तो वो मैं कर्टन्स के थ्रू कर सकती हूँ वो मैं सोफा के कलर्स के थ्रू कर सकती हूँ वो मैं किसी पेंटिंग के थ्रू कर सकती हूँ वो मैं किसी कस्टमाइज वॉलपेपर के थ्रू कर सकती हूँ उसके लिए मुझे घर को अतरंगी बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है नहीं। तो आपका वास्तु भी कवर अप हो जाता है और आपका इंटीरियर भी बना रहता है मतलब सब चीजें आपको एक घर में अगर अच्छा ही नहीं लगेगा आप खुद सोचो एक घर में अगर चार पांच कलर हुए हों तो आपको कैसा लगेगा उस घर में रह के तो जब अच्छा फील ही नहीं करोगे तो आपने कितना भी वास्तु परफेक्ट कर लिया तो वो आपको पॉजिटिविटी उस घर में कभी नहीं मिलेगी आप भागना चाहोगे तो वो पॉजिटिविटी तब मिलेगी जब आप उसको पॉजिटिव तरीके से एक सही तरीके से करोगे कई घरों में मैंने देखा मैं जाती हूँ मुझसे पहले किसी वास्तु वाले ने अगर विजिट किया है तो कहीं कोने में लाल बल्ब लगा हुआ है कहीं येलो बल्ब लगा हुआ है कहीं किसी कमरे में पूरा येलो कलर करा रखा है क्यों वास्तु वालों ने बोला था हमें तो भाई ऐसा नहीं।, नहीं ना बैलेंस तरीके से काम करना बहुत जरूरी है हाँ वो अच्छा भी लगे देखने में और वो आपका आपके एरिया को ब्यूटीफाई भी करे और आपका हाँ। वास्तु कंप्लाइन भी हो जाए आई वुड लव टू सी योर हाउस देखना कैसे आप बनाया ओके नाइस तो सबसे ज़्यादा जैसे कॉमनली क्या कोई परेशानी लेके आपके पास आता है लाइक आई एम क्यूरियस अबाउट दैट कि यार किसको क्या पैसों की दिक्कत होती है कि यार हमारे घर में लक्ष्मी जी नहीं आ रही नहीं। या कुछ बहुत मेडिकल कंडीशन ख़राब चल रही है नहीं। नहीं। और किन किन चीज़ों पर हम इम्पैक्ट डाल सकते हैं लाइक like, क्या क्या हम ठीक कर सकते हैं वास्तव में देखिए वरुण मैं पहली बात तो अभी किसी भी क्लाइंट से कभी नहीं पूछती कि आपको क्या प्रॉब्लम है ओके तो वो चीज जब मैं घर देखती हूँ मैं विजिट करती हूँ मैंने उनको खुद अगर वो मुझे बताने लगते हैं तो मैं रुक देती हूँ आप रुक जाइए कोई हाँ, बात नहीं आई एल टेल यू कि आपको प्रॉब्लम हाँ, है क्या वो है। घर देखने के बाद प्रॉब्लम खुद पता चल जाती है ओ ओ हो आँ, आँ, वो घर देखने के बाद प्रॉब्लम पता लग जाती है कैसे हाँ, अब मैं कोई वो तो हूं नहीं आई एम नॉट मतलब कि मेरी बहुत जबरदस्त इंट्यूशन एंड ऑल है कि मुझे वहां हाँ इतना मुझे है मुझे इतने साल के करियर में मैं एनर्जीज फील करती हूँ अगर कहीं की एनर्जीज अच्छी नहीं है तो मैं नहीं बैठ सकती ठीक है मगर घर देखने के बाद जब मैं लेआउट बनाती हूँ अब इंटीरियर का सीखने का मेरा ये एक और रीजन था कि मैं लेआउट्स खुद बनाती हूँ मुझे किसी की जरूरत किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ती लेआउट बनाने के लिए आई मेक माय लेआउट एंड उसके बाद चक्र वगैरह लगा के हम वर्किंग करते हैं तो वो जब मैं लेआउट बनाती हूँ जब मैं वो लेआउट बनाने के बाद मुझे पता लगता है कि इनकी किचन यहाँ बनी हुई है इनका वॉशरूम यहाँ बना हुआ है इनका बेडरूम यहाँ बना हुआ है और किस तरह के कलर्स और प्लेसमेंट्स हैं उससे पता लग जाता है किस तरह की प्रॉब्लम आ रही होंगी तो वो प्रॉब्लम आपका घर खुद बता देता है ठीक है फिर जब आप क्लाइंट को बताते हो ना तब उसको मजा आता है कि हाँ सीरियसली हमारे साथ तो है? ऐसा हो रहा है <laughs> तो मोस्टली प्रॉब्लम्स भी वही आती हैं देखो आपकी साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है नॉर्थ ईस्ट आपका ईशान का भगवान का कौन और साउथ वेस्ट आपका राहु का ठीक है तो वो दोनों के दोनों बैलेंस होने बहुत ज़रूरी है जहां यहाँ का बैलेंस मिलता है बहुत जगह मैंने देखा साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में लोगों की बोरिंग होती है साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में लोगों के सेप्टिक टैंक होते हैं तो क्या है वो खत्म हो जाते हो आप जब ऐसी डायरेक्शन में आप गड्ढा खोदते हो तो वो एक कुएं का काम करता है जो कभी नहीं भरता उसमें आप क्या पैसा डालते रहो डालते रहो डालते रहो वो आपकी बीमारियों पे लग रहा है वो अननेसेसरली एक्सपेंसेज आपका कहाँ जा रहा है आपको पता ही नहीं आप इतना परेशान हो जाते तो ऐसे क्लाइंट्स मेरे पास बहुत आते हैं कि मेरा अननेसेसरली पैसा बीमारियों में लग रहा है भाई आप राहू की प्रॉब्लम है तो बीमारी और पैसा हॉस्पिटल में खर्च होना तो वो तो होना ही होना है नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम है आपका बॉडी का हेड पार्ट है नॉर्थ ईस्ट अब नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम है तो स्ट्रेस लेवल हाई करेगा ही करेगा आपको आप एक डिसीजन कभी भी नहीं ले पाओगे आपका वो मेंटली आप हमेशा हिले रहोगे तो वो एक चीज़ है आपकी मैक्सिमम पॉजिटिविटी नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन से आती है तो पॉजिटिविटी आएगी कैसे जब आप नॉर्थ ईस्ट के किचन बनाओगे फायर एलिमेंट यूज़ करोगे वाटर एलिमेंट में तो सारी पॉजिटिविटी वहाँ बन हो रही है आपको मिलेगी ही नहीं तो ये चीजें बैलेंस हर डायरेक्शन का है। आप साउथ ईस्ट की ही बात कर लो साउथ ईस्ट इज अ डायरेक्शन ऑफ फायर ठीक है फायर डायरेक्शन है आपकी लिक्विड कैश है आपका पैसा आ रहा है लक्ष्मी जी का स्थान है वो है नॉर्थ वेस्ट है आपका एयर एलिमेंट है तो इस तरह से हर डायरेक्शन का अपना अपना एक रोल है उसको उस तरह से आप यूज करो आपको डेफिनेटली उसके बेनिफिट्स मिलेंगे

सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए अगर आप ओकल साइंस में आ गए हो तो ओकल साइंस एक ऐसा साइंस है जिसमें डेप्थ इतनी ज़्यादा है कि आप जितना डूबोगे उतना सीखोगे तो उसमें डूबना पड़ता है चाहे एस्ट्रोलॉजी हो चाहे वास्तु हो आज भी कुछ ना कुछ नया मिल जाता है हर जगह तो वो मेरे लिए एक लर्निंग है और जो कि शायद मैं जब तक रहूंगी तब तक सीखती रहूंगी तो लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट रहना चाहिए अगर आप ओकल साइंस में आ गए हो तो वो बहुत जरूरी है हाँ गोट दैट ओके okay. सो so, जैसे हमने बात की कि पैसे से रिलेटेड बीमारियों से रिलेटेड ये सारी एक हम इसको मतलब कैटेगराइज इस तो मैं नहीं कर रहा बट हम इसको ऐसे देखते हैं जनरल कैटेगरी में कि ये सारे एक बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई

आपका चंद्रमा आपका नॉर्थ वेस्ट इम्बैलेंस्ड है बैलेंस नहीं है तो आपका नॉर्थ वेस्ट है तो वो आपका चंद्रमा का जोन है ठीक है अब आपका नॉर्थ वेस्ट अगर घर में बैलेंस नहीं है तो वो आपको लेके जाएगा इन प्रॉब्लम्स में कई बार चंद्रमा आपका हिला हुआ होता है घर का नॉर्थ वेस्ट देख के पता लग जाता है कि एंजाइटी लेवल क्या है डिप्रेशन लेवल क्या है अब वो किसी पर्टिकुलर पर्सन का रूम है तो वो वो चीजें फील कर रहा है बाकी किसी को फील नहीं हो रही तो उसका भी इलाज होता है फिर आपको नॉर्थ वेस्ट को ट्रीट करना और ये सारी चीजें घर से ही हो रही है या फिर बाहर से भी इम्पैक्ट होती है सपोज जैसे कि कोई ऑफिस जा रहा है हाँ। या कोई इंप्लॉई है हाँ। कि कहीं पे जाके उसका कैबिन में बैठ रहा है तो ये वहां पे भी उसका कुछ रोल आ रहा है चीजों का या सिर्फ घर से ही रिले नहीं है। बिल्कुल अगर काम उसका ऐसा है की कोई बस बिजनेस है ठीक है और कोई ऑफिस भी है अगर वहां भी उसकी सिटिंग गलत है तो इम्पैक्ट तो बिल्कुल वहां से भी आ रहा है क्योंकि आप वो वहां से घर ही लेके आ रहे हो बट आपको रेस्टलेसनेस वहां ज्यादा फील होगी जहाँ आपका वास्तु गलत है आप अगर घर का वास्तु आपका बैलेंस है आपके एनर्जीज प्रॉपर हैं तो आप घर में बहुत अच्छा फील करोगे दिस इज द आपका ये मैं इसको कहूँगी कि ये दिस इज़ द राइट वे टू चेक योर वास्तु आपको घर में रह के कितना पीसफुल फील होता है आपको अगर घर में रह के पीसफुल फील हो रहा है आपको अच्छा लगता है मन करता है घर से बाहर जाऊँ नहीं तो वो आपके घर का वास्तु बैलेंस्ड है आपकी एनर्जीज प्रॉपर है अब वो क्या कि घर और ऑफिस आप कह रहे हो कि वहां से अगर प्रॉब्लम हो तो घर मगर हम घर में मैक्सिमम टाइम हमारा जो रात का टाइम जो होता है वो घर में हम निकालते ही है मैक्सिमम पीरियड हो गया हो। तो घर में अगर प्रॉब्लम्स है तो आपकी एनर्जीज घर में ज्यादा मिक्सअप हो रही हैं तो वो घर की प्रॉब्लम्स घर में जब आप आपकी एनर्जीज और घर की एनर्जीज मिक्स होती हैं तो उसका एक आउटकम आता है तो वो ऑफिस का भी बिल्कुल मैंने कह रही कि वो नहीं होगा वो भी होगा मगर घर का रोल इसमें

तो ये ये वाला अब सपोज जैसे मेरे घर का राहु जो आपने बताया अकॉर्डिंगली वास्तु सॉर्टेड है वो सारा एकदम परफेक्ट है बट मेरी कुंडली या जो भी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग वो गलत है तो वो कैसे क्लैश होगा या उसका इम्पैक्ट लो होगा हाई होगा और कैसा काम करेगा आ, अब अगर आपका घर का वास्तु परफेक्ट है मान लीजिए आपकी कुंडली में आपका राहु जैसे कि आप बता रहे हो मुझे नहीं पता अभी आपको मैंने बर्ड चार्ट नहीं देखा तो अगर तो आप हम मास्किंग इन जनरल जिनके हाँ इन जनरल चलो इन जनरली बात करते हैं तो अब अगर आपका जो पत्री में अगर राहु प्रॉब्लमेटिक है और घर का वास्तु परफेक्ट है ठीक है पहली बात तो वो घर आपके नाम पे नहीं होगा ठीक है वो चीज आपकी पेरेंटल हाउस हो सकता है या दो तीन लोगों का साथ में हो सकता है क्योंकि किसी और का बेनिफिट आपको मिल रहा होगा तभी आपके घर का वास्तु परफेक्ट है अगर आपके राहु की दिशा चल रही है और राहु आपका पत्री में गलत प्लेस्ड है तो आप एक अच्छा घर आप सोचो कि वास्तु परफेक्ट घर आपको मिल जाएगा तो आपके नाम पे दैट इज नॉट पॉसिबल और राहू का इम्पैक्ट आपको आएगा ही आएगा क्यों मैंने बोला ना इट्स योर डेस्टिनी वो अगर आप वहां लिखवा के लाए डेस्टिनी में अगर राहु आपको वो फल दे रहा है तो वो कहां से देगा आपका वो घर में आप वो चीजें क्रिएट वैसी ही करोगे और उसका आपको फिर फल भोगना पड़ेगा तो वो चीज है तो राहु अगर आपका पत्री में गलत है तो उसका आपको रोल घर में जरूर दिखाई देगा अगर वो आपके नाम पे है और आप उसके होल सोल इंचार्ज हो तो अब घर के भी जब हम देखते हैं मैं अगर एस्ट्रो वास्तु की ही बात करूँ एस्ट्रो और वास्तु को जब हम कंबाइन करते हैं तो जिनके नाम पे घर होता है उनका बर्थ चार्ट नॉर्मली देखा जाता है जिनके नाम पे घर है कई बार पेरेंट्स होते हैं न, उनके नाम पर पेरेंट्स नहीं हैं तो भाई जो घर का अर्निंग मेंबर है जो घर का मेन आपका जो मास्टर ऑफ द हाउस है उनका हम बर्थ चार्ट देखते हैं तो पता चलता है कि चीज़ें कहाँ से कहाँ जा रही है तो बहुत हेल्प करता है कि आपका एक बर्थ चार्ट देख के आप पूरा का पूरा घर का वास्तु बना सकते हैं और जो लोग रेंट पे रह रहे हैं या जैसे बहुत सारा एक बहुत बड़ा चंक है जो कि अपने होम टाउन से बाहर जाके काम कर रहे हैं तो वो रूम शेयर करते हैं पीजी में रहते हैं तो इन लोगों का वास्तव तो कैसे इम्पैक्ट होता है कि मतलब इनका तो घर भी नहीं है लैंड ही कोई और है तो इन लैंड भले ही कोई और है बट वो जहाँ भी रह रहे हैं मैंने बोला ना एक एरिया जहाँ आप रह रहे हो जहाँ आप सोते हो जहाँ हाँ जहां आप सोते हो रह रहे हो जहाँ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो वहां की एनर्जी और आपकी एनर्जी कंबाइंड होती है तो उसका रिजल्ट्स आपको मिलते ही हैं आप चाहे रेंट पे भी हो ठीक है मान लीजिए प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं है आप रेंट पे रहो बट ऐसा नहीं है कि अगर उसका वास्तु खराब है तो आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा भले ही आप रेंट पे रह रहे हो तब भी वो आपको इम्पैक्ट उतना ही करने वाला है तो वो भी आपकी डस्टनी के हिसाब से मिलता है आपको एक बहुत बड़ा चंक मैंने मान लिया कि रहते हैं तो आपको ऑफिस मिल रहा है वो आपको एज पर वास्तु आपका वो आपका साइंस क्या कह रहा है आपका बर्थ चार्ट क्या कह रहा है आपको डस्नी में क्या मिलने वाला है ये सब चीजें पहले से प्री डिसाइडेड होती है वही आपको मिलता है लाइफ में कोशिश आप कितनी भी कर लो बहुत सारे लोगों को मैंने ढूंढते हुए देखा है हमें नॉर्थ फेसिंग मिल जाए नॉर्थ फेसिंग मिल जाए हमें मगर उनकी पत्री में उन्होंने ये चीज एक क्या है कि एक लोगों को एक मिथ क्रिएट हो गया है मुझे नॉर्थ ही लेना है नॉर्थ ईस्ट ही लेना है या ईस्ट ही लेना है यही तीन डायरेक्शन अच्छी होती है बाकी डायरेक्शन बेकार है बट ऐसा बिल्कुल नहीं है जब भी आप कोई घर परचेज कर रहे हो उससे पहले अपना बर्थ चार्ट दिखाना जरूरी है आपकी प्लानेटरी पोजिशन क्या है कौन सी डायरेक्शन आपको सूट करेगी एंट्री के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो साउथ भी हो सकती है मैंने लोगों को साउथ के डायरेक्शन में फ्लरिश करते हुए देखा है और इतना फ्लरिश करते हुए देखा है कि वो साउथ के अलावा और कुछ लेते ही नहीं <laughs> मैंने लोगों को वेस्ट के डायरेक्शन में बहुत फ्लरिश करते हुए देखा ठीक है साउथ <laughs> वेस्ट के एग्जाम्पल मेरे पास बहुत कम है इसलिए मैं नॉर्मली उस पर हाँ नहीं कर सकते तो आप इस तरह से आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट ही सूट करेगा आपके पत्री में अगर तो जुपिटर की पोजिशन अच्छी नहीं है आपको जुपिटर उतना अच्छा नहीं देने वाले हैं एंड ऑन द अदर हैंड आपका शनि उच्च का है और आपके uh, घर को देख रहा है आपके क्या uh, uh, कहते हैं कि आपके रेजिडेंस को देख रहा है तो वो चीज़ आपको मैं यही एडवाइस करूंगी कि डोंट गो फॉर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन गो फॉर वेस्ट डायरेक्शन आपका शनि आपको, आपको ज़्यादा देने वाला है तो वेस्ट के डायरेक्शन की तरफ जाओ नॉर्थ ईस्ट तो वैसे भी मैं बहुत नहीं एडवाइस करती या तो क्लियर नॉर्थ हो क्लियर क्लियर ईस्ट हो क्लियर वेस्ट हो क्लियर साउथ हो ये जो डायरेक्शन है इनके आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं जितने आप कॉर्नर्स पे जाते हो नॉर्थ ईस्ट हो गया साउथ ईस्ट हो गया साउथ वेस्ट हो गया नॉर्थ वेस्ट हो गया इनमें आपको उतने रिजल्ट नहीं मिलते जितने आपको मेन डायरेक्शन के मिलते हैं ओके okay. और रिजल्ट क्या है मतलब सिर्फ मॉनिटरी बेनिफिट्स है या कैसे हर डायरेक्शन का अलग है अच्छा हाँ डिपेंड्स ऑन योर देखो मॉनिटरी अब नॉर्थ की डायरेक्शन दैट इज आपका करियर अपॉर्चुनिटीज आपका कैश इनफ्लो ठीक है ईस्ट की डायरेक्शन है आपका सूर्य है आपका नेम फेम आपको कितने सोशलाइज मार्केट में होंगे साउथ की डायरेक्शन आपकी पावर की डायरेक्शन है आपकी फेम की डायरेक्शन है वेस्ट की डायरेक्शन है वेस्ट की डायरेक्शन आपकी गेम्स की डायरेक्शन है तो हर एक डायरेक्शन से आपको अलग अलग चीज़ें एक घर जब बनाते हैं तो उसी हिसाब से प्लान करते हैं कि हमें कहाँ से एंट्री देनी है कहाँ पर मैक्सिमम विंडोज बनानी है कहाँ पर डोर्स देने हैं कहाँ बंद रखना है आप साउथ वेस्ट की अगर हम बात करें तो साउथ वेस्ट शुड बी क्लोज साउथ वेस्ट डायरेक्शन राहु की है बट उसके बेनिफिट्स इतने ज्यादा हैं अगर हम बात करें साउथ वेस्ट की या वेस्ट साउथ वेस्ट की दैट इज योर लॉकर एरिया दैट इज स्टेबिलिटी अगर वो बंद रहेगा तो वो स्टेबल रहेगा आपका पैसा वहां टिका ठीक है अब वही अगर आप लॉकर लोग पढ़ लेते हैं पढ़ पढ़ के कर लेते हैं कहीं अपनी सेफ लगा लेते हैं नॉर्थ के डायरेक्शन में क्यों हमने तो पढ़ा था कुबेर की डायरेक्शन तो नॉर्थ की डायरेक्शन होती है तो वहां नहीं लगाना है ना वो आप

एक उसका एक होम है जहाँ पे वो रह रहा है पूरा और उसने अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करा और मल्टीपल प्रोपर्टी देके रेंट पे दिया तो उसका वास्तु जो होगा वो उसके घर के हिसाब से चलेगा बट अब कोई ऐसा इंसान है जो कोई बैगलोर भी रह रहा है मुंबई भी रह रहा है और वो बहुत ट्रैवल कर रहा है तो उसका छह महीने सपोज यहाँ है तीन महीने यहाँ है, है दो महीने तो उसके सारे ही घर है तो उसका वास्तु कैसे काम करेगा उस पर डिफरेंट इम्पैक्ट आते रहेंगे देखो रेयरली होता है ऐसा ये भी मैंने देखा है अगर कोई कहीं रह रहा है आप अपने ऊपर ही लेके देखो या मैं अपने ऊपर ही लेके देखू एक मेरे क्लाइंट है वो दुबई के एक क्लाइंट है मुंबई में उनका एक रेजिडेंस है मैंने भी रिसेंटली वही थी तो वो आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स फॉर अ मंथ आते हैं फिर भी उन्होंने वहां का वास्तु चेक कराया फॉर अ मंथ आते हैं क्योंकि जब आप एक वर्किंग पर्सन हो तो आप एक जगह पे अगर आपके दो तीन घर भी हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इधर उधर ट्रैवल करते रहो बट फिर भी आप जो भी घर में आप टाइम स्पेंड कर रहे हो अगर ऐसा है भी आपके साथ आप कहीं छह महीने रह रहे हो कहीं तीन महीने रह रहे हो कहीं चार महीने रह रहे हो अगर ऐसा है भी तो आपके सारे ही घर बैलेंस होने चाहिए और मैक्सिमम टाइम आप जहाँ गुजार रहे हो वो आपके लिए ज़्यादा मैटर करेगा वो आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट ज्यादा आएगा मान लीजिए एक जगह कोई ऐसी जगह जरूर होगी जहाँ वो मैक्सिमम टाइम स्पेंड करेगा क्योंकि उनका वर्क प्लेस वो होगा तो वो आपके ऊपर ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आएगा बट हाँ फिर भी आपके बाकी के घर भी बैलेंस होने चाहिए इसमें बैलेंसिंग से मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि घर आपको तोड़फोड़ करना है या ये तोड़वाओ वो बनवाओ एंड ऑल नहीं बैलेंसिंग से मतलब ये है कि हमने उसमें बैलेंस करना है उसके घर की डायरेक्शंस को एलिमेंट्स को एनर्जीज को तो वो मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है अगर आप ऐसा भी होता है किसी के साथ कि वो दो तीन जगह रहता है तो वो उसको दो तीन जगह दोनों ही सारे घर अपने बैलेंस करना चाहिए हत बिल्कुल बड़े Uh, अब आपने जैसे कहा था कि आप कहीं पर भी जाते हो आपको एनर्जीज़ फील हो जाती है हुँ. कि आपको तो ये सिर्फ घर की एनर्जी है ऑफिस स्पेस की एनर्जी है या फिर इंसानों की भी एनर्जी से कुछ होता है कि इसमें मतलब सपोज कि मैं क्या पहन रहा हूँ मैं क्या अपने हाथ में जैसे बहुत सारे लोग अंगूठियाँ डालते हैं या कुछ डालते हैं या फिर लोग सिर्फ फैशन के लिए ब्रेसलेट डाल रहे हैं कुछ भी डाल रहे हैं तो इन चीज़ों से भी कुछ इम्पैक्ट होता है या ये सिर्फ इनका नहीं अब एक्चुअली ये मैं इसमें ये ये आपको एक जनरल वे में नहीं बोल पाऊंगी बट माई एज इज फोर्टी सिक्स ना सो so, मेरे को इतने साल इन चीज़ों में हो गए हैं तो मैं एक सामने अगर मेरे कोई बैठा है या कोई मुझसे मिलने आया तो उनकी एनर्जीज आई कैन फील तो एक वो पर्सन की एनर्जीज भी होती है तो okay. मैं फील कर पाती हूँ कि वो किस तरह का इंसान होगा हुँ. और आ, हाँ अंगूठिया वगैरह पहनना एंड ऑल ये आपका बिलीव है कई लोग मानते हैं कई लोग नहीं मानते हैं कई लोग अब वो अंगूठिया बहुत सारी पहन रखी है तो डेफिनेटली उनका चार्ट देखना पड़ता है भाई हुँ. क्या किया हुआ है आपने सभी चीजें तो नहीं आपस में क्लैश हो रही हैं क्योंकि कई बार लोग शौकिया पहन लेते हैं कुछ भी पहन लिया वो उतरवानी पड़ती हैं तो भाई ये भी पहन लिया वो भी पहन लिया यहाँ से पढ़ा था ये पढ़ा, पहन लिया उसने बताया था ये पहन लिया वो चीज़ नहीं एनर्जीज हाँ डेफिनेटली घर की भी एनर्जीज होती हैं एनर्जीज व्यक्ति की भी होती हैं सामने आपका कोई पर्सन बैठा है आप बैठे हो या मैं बैठी हूँ मेरी एनर्जीज़ हैं आपकी अपनी एनर्जीज़ हैं क्योंकि मैं भी तो एक वही पंच तत्व से ही तो बनी हूँ आप डेफिनेटली पॉजिटिव और नेगेटिव सब होता है बट हर एक की अपनी एक एनर्जी होती है हुँ, हुँ, तो आप थोड़ा बताओ कि यहाँ पे जब आप आए थे <laughs> क्या आपको फ़ील हुआ कि बेकार जगह पे आ गई अच्छी जगह ऐसा आ बिल्कुल नहीं है मैंने कुछ ऐसा आ, ये आ, अगर ऐसा होता तो मैं इतनी देर यहाँ बैठी होती पहली बार मेरा को तुरंत हेडेक हो जाता है मैं वो चीज़ फील कर पाती हूँ एंड पर्सनली आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा मतलब ये मैं मेरे लिए मैंने आपको भी पर्सनली भी बोला था कि ये एक मोटिवेशन है यंगस्टर्स के लिए कि जो अपना टाइम सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं यहाँ वहाँ पिताजी ने कमा लिया एंड ऑल वो सब चीज़ हम तो सिर्फ चिल करना है अभी हमारी एज ही क्या है इट इज़ आ चिलिंग टाइम तो वो चीज़ मैं नहीं सपोर्ट करती कुछ भी आपका चिलिंग टाइम नहीं है आपको मिला है उस चीज़ की वैल्यू करो उस चीज़ को बढ़ाओ ऐसा नहीं है कि उस चीज़ के ऊपर आप घमंड करो कि मेरे पिताजी ने मुझे बना के दे दिया है मेरी माँ ने मुझे बना के दे दिया है तो मुझे आप इसको ठीक है चल रहा है अभी अभी क्या जल्दी है तो नहीं आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो अगर मैं इस एज में ये काम कर सकती हूँ तो मेरे लिए तो मैं लेडीज को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना चाहती हूँ जो अपना टाइम सिर्फ गॉसिपिंग में किटीज में या हम वहाँ वेस्ट करते हैं उनके लिए है कि भाई आप कुछ करो आप हर एक के अंदर कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी है ऐसा नहीं है कि आपको यही एक काम करना है आप कुछ भी कर सकते हो मैं भी एक होम मेकर रही हूँ आज भी हूँ आज भी मेरा अगर मेरा जो टाइम मेरा अपना इससे बचता है वो मेरे घर में ही जाता है तो मैं होम मेकर बिल्कुल हूँ उसमें मुझे नहीं लगता कोई बुराई है मगर उसके साथ साथ आप अपनी जो भी आपकी क्वालिटी है उसको भी बढ़ाओ कुछ ना कुछ तो ऊपर वाले ने आपको दे के भेजा है जो आप कर सकते हो तो वो आपको करना चाहिए उसके लिए आप कभी भी लेट नहीं होते और ग्रो करते रहना चाहिए तो उसके लिए कोई टाइम बैरियर नहीं है एज बैरियर नहीं है ट्रू ओके तो सपोजिंगली जैसे कि बहुत सारे ना ऐसी भी मैंने स्टोरीज पढ़ी हैं और इंटरनेट पे पढ़ा है और मैं 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 क्यूरियस हूँ तो मैं इन चीज़ों के बारे में जानता रहता हूँ तो कुछ कुछ घर में जैसे बहुत ओकल चीज़ें होती हैं जैसे कि एकदम वाइब ऐसी है कि कुछ थोड़ा भूत टाइप ऐसी चीज़ें भी होती हैं तो इसके बारे में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा क्योंकि आप भी क्यूरियस ही लग रहे हो मेरे को इतने <laughs> तो आप मेरे को बताओ कि कुछ घर में जैसे कोई आपके पास क्लाइंट आया हो तो आपको कि यार इस घर में कुछ बहुत ही नेगेटिव है या कुछ बहुत नेगेटिव एनर्जी है ऐसी कुछ आपके साथ कुछ ऐसा डील हुआ है कुछ ऐसा नहीं, हुआ? हुआ? ये मेरा भूत प्रेत वाला तो तक मुझे फील नहीं हुआ है नेगेटिविटी घर में है वो घर में ही वो गर, आप वो घर देखने के बाद ही घर बड़े अस्त व्यस्त हैं दीवारों से पपड़ियाँ उतर रही हैं कलर्स आपका बैलेंस नहीं है पता नहीं कभी आ, आपने पुताई कराई थी नहीं कराई थी एंड ऑल घर में आपकी सब कुछ अस्त व्यस्त है तो एनर्जी तो अपने आप ही वीक हो गई घर की ठीक है ना तो एक घर प्रॉपर ऑर्गेनाइज और क्लीनलीनेस वो आपके घर का वास्तु डिसाइड करता है हाँ भूत प्रेत की बात आप लोग मुझसे बोलते हैं रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट है <laughs> उनका बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था कि मैम मेरा आ, मेरी जो किचन है मेरे जो मेड्स हैं मतलब काफ़ी नोन पर्सनालिटी है वो और वो किचन बहुत बड़ा एरिया है तो वहाँ पर मेरे जो जो भी सर्वेंट्स खाना बनाते हैं उनको कुछ फील होता है कुछ एनर्जीज फील होती है भूत जैसा हो वो, कि वो उनको भगा देता है वो एक महीने भी मेरा सर्वेंट नहीं टिकता है वहाँ पर तो मैं उस चीज़ पर बिलीव थोड़ा कम करती हूँ मैंने फिर जब उनका विजिट किया घर तो मैंने उनका वही मैंने आपको बोला नॉर्थ वेस्ट में उनकी किचन थी एंड दैट वाज नॉट बैलेंस्ड एट ऑल तो hmm. वो इतने तरीके से बना हुआ था फिर उसके वो एनर्जीज वगैरह कट करके मैंने उसमें कुछ किए हैं चेंजेस तो उसके बाद से अभी रिसेंटली दो तीन दिन पहले ही मैं उनसे मिली मैंने कहा नाउ वट अबाउट दैट भूत शी सैड नहीं मैम अभी तो नहीं है तो hmm. मैंने कहा कुछ नहीं है एवरी थिंग शुड बी बैलेंस्ड नथिंग hmm. एल्स वो आपका एरिया बैलेंस नहीं था कुछ पोजिशन गलत हैं तो वो जब हमने उस चीज़ को बैलेंस किया तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला तो मैं उस चीज़ में पर्सनली नहीं मानती Right. होती होंगी बिल्कुल होती हैं पे नहीं कह सकते हाँ मेरे साथ आज तक नहीं हुआ ऐसा अब मैंने एक एक्सपीरियंस ये आया तो वो भी मैंने बता दिया वो भी वास्तु से क्लियर हो गया hmm. तो वो मेरे मैं मानती हूँ सिर्फ बैलेंसिंग hmm. तो अगर हम नोटिस करें तो जैसे वास्तु एक अपने में ही पूरी एक साइंस है और एस्ट्रोलॉजी अलग साइंस है हाँ। और आप जो काम कर रहे हो कंबाइंड करके कर रहे कर हो हाँ। तो क्या अगर कोई इंसान सिर्फ अपनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सेट करे चीजें हाँ। या फिर कोई सिर्फ वास्तु के हिसाब से सेट करे तो हाँ। भी इम्पैक्ट अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं या कम्बाइंड करके ही चलना चाहिए नहीं देखो मैंने आपको बोला कि जब आप किसी के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट खोलते हो हाँ। तो आपको उसके घर का वास्तु भी दिख जाता है पता अच्छा। चल जाता है कि कौन से कॉर्नर में प्रॉब्लम होगी ठीक है तो जब आप वो खोलते हो उसके बाद हाँ, मैं एक बहुत सारे क्लाइंट्स को एस्ट्रो चार्ट से भी उनको बोलती हूँ कि आप अपने कॉर्नर में से ये चीज हटाओ आपके वहाँ ये चीज़ गलत है इसका इम्पैक्ट आपको गलत आ रहा है उसमें होता क्या है अब मान लीजिए आपका साउथ वेस्ट है डायरेक्शन साउथ वेस्ट है प्लेनेट राहू है पत्री दिखाने मेरे पास क्लाइंट आए मैंने उनकी पत्री देखी अब राहू की दशा है ठीक है चल रही है अब राहु की दशा चल रही है तो मेरी सीधी उनके जो जो दृष्टि जाएगी वो साउथ वेस्ट में उनका वो कौन सी डायरेक्शन में उनका राहु बैठा हुआ ठीक है तो उस डायरेक्शन में मैंने कहा आपका यहाँ कोई ना कोई गड्ढा जरूर है, है ही कुछ ना कुछ आपका कुछ ऐसा आर्टिकल जो आपके राहू को इम्पैक्ट कर रहा है इसको आप यहाँ से हटाओ रस्ट है कुछ जंक आपका वहां उस तरह का पड़ा हुआ है कोई गड्ढा है तो वो पता लगता है देख के तो वो चीज आप एस्ट्रो से भी बता सकते हो और घर देख के आप एस्ट्रो भी बता सकते हो कि भाई घर में प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बिगड़ा हुआ है तो दोनों इसलिए इंटरलिंक्ड है तो कब वो अब इसमें एक और चीज आती है अब एक अभी मैंने बात करी साउथ वेस्ट की बिल्डिंग की अब साउथ वेस्ट की बिल्डिंग में एक पूरी बिल्डिंग है तीन फ्लोर है हालांकि मैंने तीनों में भी ताले लगे हुए देखे हैं है। मगर कई बार ऐसा होता है कि तीन फ्लोर में सबको अलग अलग इम्पैक्ट आ रहा है एक को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है एक को कम आ रही है एक को नहीं आ रही है, है। क्यों उसका रीजन ये है कि उसका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ज जो तीसरा वाला होगा या तो वो घर भी उसके नाम से नहीं है रेंट पे रह रहा है या जो भी वट एवर इट इज तो उसको वो आ, उनकी वाइफ की वजह से या खुद की वजह से वाइफ के नाम से घर है बट उनकी पतरी में वो जो ग्रह है वो कोई पॉजिटिव प्लान की दशा चल रही तो उनको उसका इम्पैक्ट उतना नहीं आ रहा नीचे वाला जो रह रहा है उसको एंट्री भी साउथ वेस्ट की मिली हुई है दशा भी 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 राहु राहु की चल रही है 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 और वो भी है, तो वो प्लेस्ड प्रॉपर नहीं तो तो प्रॉब्लम्स उनको ज्यादा आएंगी ये भी होता इसलिए दोनों चीजें इंटरक्टेड सिर्फ ये नहीं कह सकते ना आप एक ये जब इसीलिए आप कर कर करके देखते हो और सीखते हो एक बिल्डिंग आपने पूरी देख ली भाई साउथ वेस्ट की बिल्डिंग है तो पूरी खराब नहीं ऐसा नहीं होता जैसे कि सपोज कि एक घर है जिसका वास्तु पूरा गड़बड़ है और वो जो जिस, जिसके नाम पे घर था उसने बेचा किसी और को अब वो घर में वास्तु सही नहीं किया पर कोई और आया तो उसको वो चीज फल गई ये भी पॉसिबिलिटीज होती है बिल्कुल होती है। तो ये कैसे काम कर <laughs> तो है हंड्रेड परसेंट तो, तो नहीं फलेगा ये तो कहना ही गलत है कि पूरा वास्तु हिला हुआ है और कोई सेकंड पर्सन आया और उसको वो पूरा का पूरा फल जाएगा ये तो नहीं होगा हाँ बट पहली बात तो उसकी भी वो डेस्टिनी होगी तो ही उसको वहां लेके जा रही है आप बहुत गलत बहुत की तरफ जा, जा रही। है? आप बहुत बड़े बिलीवर बिल्कुल मैं हूं। okay. मैंने देखा है डेस्टिनी <laughs> एंड कर्मा दोनों साथ में काम करते हैं <laughs> ही आपको आपका वास्तु दिलाती है भाई। आपने वो चीज तो पर बात नहीं कर रही <laughs> तो वो आपकी जो सेकंड पर्सन जिसको बेचा उसकी भी डेस्टिनी में वो चीज होगी कि मुझे ये ऐसा बिगड़ा हुआ वास्तु वाला घर मिलेगा मे भी अब ये हो सकता है कि आप जब बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट की देखो नॉर्थ ईस्ट इज नॉन क्यूरेबल एरिया वो हम क्योर कर ही नहीं सकते कई लोग बोलते हैं हम करते हैं बट नहीं हो सकता नहीं। क्योंकि ईशान कोण में जहाँ टॉयलेट आ जाता है तो वो बहुत बड़ा डिफेक्ट है तो वो उसका तो सोल्यूशन ही होता है कि वो पॉट आप वहाँ से बंद करो ठीक है आप बेथिंग के लिए यूज़ कर लो आप वॉशिंग मशीन के लिए यूज़ कर लो तो अगर पूरा ही वास्तु बिगड़ा हुआ है तो उसमें आप अब आप, आपको फल गया तो फल गया इन द केस है कि आपकी भई डस्टनी बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रांग है अदरवाइज़ नहीं फल सकता वो हंड्रेड परसेंट तो फिर भी नहीं पालेगा मैं बिल्कुल नहीं मान सकती इस चीज को मैंने आज तक नहीं देखा तो वो नहीं है कि आपको हंड्रेड परसेंट फल जाएगा आप आए आपने परचेस किया ऐसे में लोग करते हैं ये मैंने खुद का बहुत सारे क्लाइंट्स को बुलाया कि भाई साउथ वेस्ट का घर है नहीं सूट कर रहा है आपको हम बेच के दूसरा खरीद नहीं सकते तो आप इसको रेंट आउट करो दूसरे में चले जाओ ना रेंट hmm. आउट ही चले जाओ कहीं बाहर चले जाओ तो रेंट आउट करा के भी अगर मैं बाहर भेज रही हूँ वो उनके नाम पे भी है मगर फिर भी जब आपकी एनर्जीज उस एरिया में मैच नहीं होंगी मिक्स नहीं होंगी आप दूसरे एरिया में जाके रह रहे हो जो कि इससे अपोजिट डायरेक्शन है ठीक hmm. है तो आपको वो चीज बैलेंस वहां जाके हो जाएगी यहाँ से जितना नेगेटिविटी आ रही थी वहां से आपको उतना पॉजिटिव हो जाएगा हाँ। तो ये मैंने करवाया है और कई भाई रेंट पे जो आ रहे हैं वो एक लॉन्ग टर्म नहीं रहते एनर्जीज भी जो आपको फल देना शुरू करते हैं कम से कम डेढ़ से दो साल लगते हैं आपको एक कंप्लीट इम्पैक्ट आने में आपके घर आपकी एनर्जीज और घर की एनर्जीज मिक्स होकर जो आउटकम आता है वो डेढ़ से दो साल में आता है पहला पांच साल फिर सात साल फिर उसके बाद पंद्रह साल जो होता है दैट वो वर्स्ट होता है अगर ये बार बार आपको अलार्म मिलते हैं इतने टाइम पे कि आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है और आप नहीं समझ रहे हो तो वो और बढ़ता जाएगा तो वो ऐसा होता है तो आप टाइम रहते जाग जाओ सात साल से पहले पहले तो वो घर आपको छोड़ ही देना है क्योंकि वो फिर वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा ना वो आप झेल नहीं पाओगे वो ज्यादा होगा तो कई ऐसा भी देखा है राहू की जो एंट्री वाले घर होते हैं पहले आपको यूँ लेके जाते हैं फिर धड़ा नीचे अच्छा भाई ये क्या <laughs> भाई में तो बहुत अच्छा चल रहा था हाँ। एक डेढ़ साल तो बहुत अच्छा चला उसके बाद से आ है। तो मैंने कहा, भाई की एंट्री है तो ऐसा होता है इल्यूजन है आपको एकदम से दिखाएगा कुछ और, और होगा कुछ और तो ये होता है तो वो फिर आप रोलर कोस्टर राइड पे होते फिर कभी फिर यू आ गए फिर यूँ आ गए तो ये भी होता है तो आपकी कुछ स्टेबिलिटी नहीं रहेगी उस चीज पे कभी भी तो बेसिकली आपका काम ये होता है कि आपको स्टेबल करनी है क्लाइंट्स की लाइफ राइट right? हमें साइंटिफिकली उसको अरेंज करना है बैलेंस करना है सारी डायरेक्शंस बैलेंस कर देंगे हुँ. तो घर की एनर्जीज बैलेंस हो जाएंगी जब घर की एनर्जीज बैलेंस हो जाएंगी तो क्लाइंट के ऊपर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है ओके सो जैसे अब जैसे मेरे को बड़ा ही ऐसा लगता है कि डेस्टिनी से मेरे को एक रिबेलियस सी चीज है कि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर सब कुछ डेस्टिनी ने ही डिजाइन कर रखा है तो मेरे कर्म का क्या इम्पैक्ट हो रहा है तो मैं क्यों कर रहा हूँ कुछ लाइक like, आपको मैं बुलाता ही नहीं आप खुद आ जाते ऐसा तो नहीं है हमको इनविटेशन <laughs> भेजना पड़ता है तब जाके कोई गेस्ट आता है कि हाँ रहे हैं तो अगर हम लोग अपने कर्म मेरा मैं बिलीवर हूं कि कर्म करो उसका आउटपुट निकालो अब जब मेरे को आगे कोई बोलता है ना कि तुम कर्म जो कर रहे हो वो भी डेस्टिनी करवा रही है वहां से मेरे को थोड़ी इरीटेशन होती है कि यार क्यों मैं फिर मेरे को मेरा अस्तित्व नहीं समझ आता क्या है तो इसका आपसे क्योंकि आप बहुत ज्यादा डेस्टिनी बोल रहे हो तो आई वॉन्ट टू नो कि आपका क्या परस्पेक्टिव है डेस्टिनी और कर्मा दोनों साथ साथ चलते हैं ठीक right. है मुझे एक बहुत अच्छी डेस्टिनी मिली या मान लो आपको एक बहुत अच्छी डेस्टिनी मिली मैंने बोला आपका तो बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है गोल्डन पीरियड है राजयोग hmm. जो कि आज के डेट में मैं नहीं मानती व्हाट hmm. इज़ राजयोग आज कोई राजा नहीं है ठीक right. है तो आपका तो बहुत ही गोल्डन पीरियड चल रहा है और आपको तो सब कुछ मिलने वाला है और आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ तो भैया मैम ने बोला मुझे तो सब कुछ मिलेगा ठीक है ना अपने आप आएगा वही जैसे कि आपने बोला कि आप इनविटेशन नहीं भेजते तो मैं आज या नहीं होती नहीं। तो ऐसा नहीं है डेस्टिनी आपको देना चाहती है बट आप जब तक कर्म नहीं करोगे तो वो आपको मिलेगा कैसे कर्म तो करना ही पड़ेगा अगर आपको रोटी खानी है पेट को भूख लगी है तो आटा गूंदना भी पड़ेगा रोटी बनानी भी पड़ेगी और खुद से खानी भी पड़ेगी वो आपके मुंह में खुद नहीं चली जाएगी तो कर्म तो है ही कर्म तो है ही मगर सिर्फ कर्मा का और सिर्फ डेस्टनी का रोल नहीं है अब इसमें मैं आपको दूसरी एक स्टोरी बताती हूँ कर्मा की बात करो मेहनत आज के डेट में सबसे ज्यादा कौन करता है लेबर क्लास कर रही है सुबह से लेकर रात तक उनको दो टाइम की रोटी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मैं सड़कों पर देखती हूँ और मुझे बहुत दुख होता है इतनी मेहनत वो कर रहे हैं कर्म कर रहे हैं ना तो बट उनको क्यों वो चीज नहीं मिल रही जो आपको मिली है या और लोगों को मिली है या और मुझे मिली है एक अच्छी लाइफ उन्हें क्यों नहीं मिली क्योंकि हम वो डेस्टनी में लिखवा के लाए बाबा क्योंकि दोनों चीजें साथ में चल रही हैं कर्म का फल मिलना भी वो आपकी डेस्टिनी है आप जो लिखवा के लाए मैंने बोला ना आपके अर्जित कर्म है प्रारब्ध है, पुराने है आप जो कर रहे हो उसका भी फल है तो वो डिजाइन ही इस तरह से कि आप काम करोगे तो किस तरह के काम से आपको क्या मिलने वाला है और बहुत मेहनत करके भी आपको क्या मिलने वाला है बहुत मेहनत करके भी दो रोटी कमा पाओगे या एक स्मार्ट तरीके से काम करोगे और अपने आप को ऊपर पहुंचा पाओगे तो कर्म और डेस्टिनी दोनों साथ चल रहे हैं तो कर्म नहीं करोगे तो तो डेस्टिनी क्या ही करेगी कुछ भी नहीं बहुत लेम सवाल है एकदम hey, बच्चा बुद्धि का सो द थिंग इज कि अगर सपोज कोई कर्म करी नहीं रहा like, लाइक वो बिल्कुल ऐसे बैठा है कि नहीं मैं कुछ करूंगा ही नहीं बट मैं देखना चाहूंगा मेरी डेस्टिनी कहाँ लेके जाती है इवेंचुअली कहीं ना कहीं तो लेके जाएगी बट सवाल बहुत ही बेटे को समझ नहीं आ रहा कि पूछना भी चाहिए नहीं बट <laughs> कि अगर सपोज मैं कर्म कर ही नहीं रहा तो फिर जैसे कि हमने ये कॉन्सेप्ट समझा कि अगर हम जितनी मेहनत कर रहे हैं अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अच्छा आउटपुट आएगा बट अगर हम कुछ कर ही नहीं रहे हम कुछ गलत भी नहीं कर रहे अच्छा भी नहीं कर रहे तो हमारे पे जो आउटपुट आ रहा है वो नेगेटिव क्यों आ रहा है या पॉजिटिव क्यों आ रहा है क्योंकि हमने तो कुछ किया ही नहीं तो इसको कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि मेहनत करी सही डायरेक्शन में मेहनत करी आउटपुट आया हमें समझ आया कि हमने पैटर्न देखा कि हमने बहुत अच्छे से मेहनत करी प्लान स्ट्रैटेजी सब कुछ करा हुँ. अच्छे से दायरे में रखे अब अगर हमने सब कुछ करा ही नहीं कुछ करा ही नहीं तो हमारे पे पॉजिटिव या नेगेटिव आउटपुट आने के चांसेस क्यों है क्यों आ रहे हैं वो पैटर्न क्या हुआ उसका उसका पैटर्न क्या हुआ अब आप वही बात फिर वहीं आ गए आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है आप एक <laughs> गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए right. ठीक है हाँ. इसी पे बात कर लेते हैं मैं ऐसे भी हैं जो गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए हैं उनको सब कुछ मिला है परोस के ठीक है वो कुछ नहीं करना चाहते कि भाई मेरे को तो सब कुछ मिला है मुझे क्या जरूरत है करने की हाँ हालांकि गोल्डन स्पून लेके आए उनकी खुद की भी डस्टनी अच्छी है तभी तो वो आए हैं उस घर में पैदा हुए तो वो वो उनकी डस्टनी है ठीक है बट वो कर्म नहीं कर रहे ठीक है काम नहीं कर रहे तो वो काम नहीं कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं खुद को खत्म कर रहे हैं एक गड़ा खजाना भी एक टाइम बाद खत्म हो जाता है अगर आप उसमें एडअप नहीं करोगे तो भाई आप ऐसा क्लाइंट मेरे पास आएगा तो मैं उसको यही बोलूंगी ना कि पत्री में तो आप बिल्कुल लिखवा के लाए हो ये चीज आप करोगे तो आपको बिल्कुल मिलेगा इसका रिजल्ट बट करो तो सही बिना करे कुछ नहीं मिलेगा बिना करे ये भी हो सकता है कि सपोज अगर मेरे को मेरी मेरी डेस्टिनी में लिखे हैं कि मेरे को सौ करोड़ मिलेंगे

आपने उस जगह का शुद्धिकरण किया है ठीक है अब वो आपका बिलीव है आप करा रहे हो नहीं करा रहे हो आप कई बार लोग वास्तु पूजन कराते हैं कई बार नॉर्मल शुद्धिकरण कराते हैं दैट इज योर बिलीव तो अगर आपको देखो वो आपका वास्तु उसका परफेक्ट मिला है और आपने उसका वास्तु पूजन नहीं कराया कोई बात नहीं शुद्धिकरण तो करा लो शुद्धिकरण पूजा पाठ हवन ये सब चीजें आपका जो एरिया जो इतना टाइम से निगेटिविटी वहां पर थी जो रेस्ट कर जाती है उसको खत्म करने के लिए होता है तो आप चाहे वास्तु पूजन कराओ आप चाहे नॉर्मल पूजन कराओ, बिलीफ बट अगर जो कोई तो पूजन सारा सारा तो क्यों नहीं कराऊ तो वो शुद्धिकरण जरूरी होता है तो हिंदुत्व में जैसे बहुत सारे भगवान है हर हर चीज के भगवान है बारिश के हवा के जैसे वास्तु के भी एक भगवान है वो कौन है वास्तु पुरुष वास्तु पुरुष वास्तु पुरुष की बॉडी ही एक घर का पूरा कॉर्नर में जैसे वास्तु पुरुष मैंने भी बोला आपको नॉर्थ ईस्ट इज द हेड पार्ट नॉर्थ ईस्ट इज द हेड पार्ट ऑफ वास्तु पुरुष वास्तु पुरुष के जो पैर हैं जो टो तो पार्ट है वो आपका साउथ वेस्ट के डायरेक्शन है तो वो एक उल्टी लेटी हुई प्रतिमा है हाँ। इसकी स्टोरी अगर आप ढूंढोगे आपको मिल जाएगा बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं स्टोरी बताऊंगी तो दैट इज वास्तु पुरुष तो वास्तु पुरुष की शांति करना वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो उसको आधिपत्य है उस चीज़ का कि घर का अगर वास्तु डिस्टर्ब है तो वो आपको परेशान कर सकता है वो करेगा तो वास्तु पुरुष के शांति करना और वास्तु पुरुष हम यूज़ करते हैं नॉर्मली मैं यूज़ करती हूँ घर की बीमारियां जानने के लिए अब किसी के नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है तो हेड रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी ही होंगी साउथ वेस्ट की एंट्री है साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है तो ये तो मैंने इतना ज़्यादा देखा है भाई क्लाइंट से पूछती हूँ पैरों में प्रॉब्लम है तो क्लाइंट साहब आपको कैसे पता मेरे को नहीं पता आपका घर बता रहा है ये चीज ठीक है तो वो फिर मेरे पीछे पीछे घूमने लगते हैं कि मैम और भी बताओ और भी बताओ तो मैंने हाँ। ये चीजें हैं अब वो क्योंकि वास्तु पुरुष का जो पैर का पार्ट है वो साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में है तो जब वहां होगा तो ये प्रॉब्लम होगी घर का सेंटर पार्ट है आपका ब्रह्म स्थान है दैट इज द नेवल एरिया एंड दैट इज द बैक पार्ट ऑफ वास्तु पुरुष तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर आपका घर के ब्रह्मस्थान में आपने कोई टॉयलेट या किचन बना रखी है तो डेफिनेटली आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी

ठीक है तो वो मगर वो बिलीव करते हैं क्योंकि वो सालों से मेरे क्लाइंट हैं भाई ईशा ने बोल दिया है तो ये होना ही है उनके आर्किटेक्ट्स हों चाहे जो भी हों भाई अगर मैम ने बोला है तो ये ऐसे ही होना चाहिए क्योंकि उन्होंने रिजल्ट देखे हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि भाई मेरे को ये अचीव करना है क्योंकि वो जब वास्तु परफेक्ट हो जाता है तो चीज़ें अपने आप अचीव हो जाएंगी ठीक है एक क्लाइंट ऐसा भी होता है जो कहता है कि यार मैं फिफ्टी फिफ्टी करना चाहता हूँ ईशा तो जितना हो सकता है उतना कर दो बट ऐसा नहीं है कि वास्तु को लेके मेरे घर का लेआउट ही खराब हो जाए वो भी होता है, फिर बाकी हम रेमेडीज के साथ करते हैं एक क्लाइंट ऐसा भी है कि भाई मैं तो घर खरीद लिया अभी तुम देख लो खरीद लिया अब इसमें जो भी है ऐसा ही है इसकी रेमेडी लगा दो बैलेंस कर दो जितना हो सकता है तो हर तरह के हैं क्लाइंट्स तो जैसा क्लाइंट होता है उसको वैसी सर्विसेज देनी पड़ती है मगर अगर पूरा 100 वास्तु आपका अचीव हो रहा है तो आपको अचीवमेंट कर दी सारे डायरेक्शन के डायरेक्शन आपने बैलेंस की, तो आपके करियर एस्पेक्ट्स पूरे खुल जाते हैं आपकी सब कुछ आ रहा है ईस्ट है आपका पूरा सोशलाइज भी आपको साउथ में भी मैंने बताया कि फेम वगैरह सब कुछ आपको मिल रहा है क्यों क्योंकि सारे डायरेक्शन बैलेंस हो गए हाँ अगर कुछ नहीं हो पाता है भाई उन ऐसे है ऐसे क्लाइंट होते हैं कि अगर यहाँ ये इतना सा भी डिफेक्ट है वो तो तोड़वाने के लिए तैयार है वो इन चीज़ में नहीं मानते कि भाई मैं तोड़ूंगा नहीं मुझे रेमेडी कर दो ना आई कैन डू दैट बट मुझे रिजल्ट ये चाहिए तो इसमें पूजा नहीं होती या पूजा भी होती है कि... नहीं ऐसा कुछ नहीं है देखिए ये जो आ, हम जो वास्तु विजिट जैसे मैं करती हूँ तो वो प्रोसेस ये रहता है कि मैं सबसे पहले किसी के भी घर गई तो मैंने पूरा लेआउट बनाना है लेआउट बनाने के बाद उसके बाद डायरेक्शन और जोन्स में उसको कन्वर्ट करना है देन उसके बाद में बैठ के क्लाइंट के साथ डिस्कस करती हूँ लेआउट और वो प्रॉब्लम डिस्कस करती हूँ जो उनको उस घर में आ रही होगी उनका डेट ऑफ बर्थ और वो सब पूरा लेती हूँ फिर लैपटॉप में वो सब चीज़ें देख के कि कहाँ से क्या दिक्कतें आ रही हैं फिर वो डिस्कशन वगैरह होने के बाद तो वो सब चीज़ें उनको बता दी जाती हैं आपको ये ये करना है तो कई क्लाइंट ऐसे होते हैं कि भाई नहीं आप दोबारा आप खुद आगे देखो नहीं तो मैं वैसे एक ही विजिट करती हूँ हाँ ड्राॅइंग मेरे पास रहती है तो सपोर्ट पूरा रहता है आप ऑन कॉल बात कर सकते हो आप मेरे ऑफिस आके मीटिंग कर सकते हो तो वो चीज़ है तो वन ईयर का सपोर्ट रहता है क्लाइंट के लिए तो उसमें कोई पूजा पाठ नहीं होती है right. हाँ अगर आपको मेरे को लग रहा है कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हिली हुई हैं या सब कुछ कहीं रुका हुआ लग रहा है तो मैं हाँ एक बार को बोलती हूँ कि कब खुद कब आपने कुछ कराया था घर में कोई हवन पूजन तो एक बार करा लो बट मैं ऐसा कभी ऐसा नहीं कि हर क्लाइंट को मैं जाके ये सजेस्ट करती हूँ कि नहीं ये मंत्र जाप आपको करना है या पूजा ये करनी है नहीं मैं एस्ट्रो में भी ये काम नहीं कराती आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पंडित जी क्योंकि क्या है जब आप मंत्र जाप करते हो तो कहीं ना कहीं गलती आपसे हो जाती है तो जब वो मंत्र गलत पड़े जाते हैं तो उसका बिल्कुल तो वो चीज़ नहीं आप रेमेडीज कराओ जो इंसान कर सकता हो रेमेडीज कैसी होती है एक दो के एस्ट्रो होते की रेमेडीज की चलो अगर हम बात कर लेते हैं जैसे कि आपको किसी को आ, मंगल की ही रेमेडी करानी है किसी का मंगल खराब चल रहा है मंगल ग्रह की इसको आपको अपने रेमेडी करानी है अब जब मंगल खराब होता है तो मंडल मंगल होता है, तो है आपका रक्त का कारक आपकी बॉडी का जितना भी ब्लड है तो मंगल जब खराब होगा तो आपका एक्सीडेंट्स वगैरह आपको बॉडी से ब्लड निकालना ये उसका काम होता है तो हम क्या करते हैं मैं जो रेमेडी बताती हूँ मैं कहती हूँ जाके ब्लड डोनेट करके आप ओके okay, मतलब अल्टरनेट दे दिया उसका राइट right. क्योंकि वो आपके डिसाइडेड है कि बॉडी से ब्लड निकलना है तो आप उसको पहले से कर दो ना hmm. या आप अपनी फिंगर प्रिक करो और आपने साउथ के डायरेक्शन में मूव करके अपने ड्रॉप्स खुद गिरा देने तो खुद से वो चीज कर लो मेडिसिन आ रही है क्यों क्योंकि आपका अगर ये हेल्थ इश्यूज आएंगे या एक्सीडेंट्स होंगे तो मेडिसिन इनटेक भी बढ़ेगा मेडिसिन का पहले से दान कर दो किसी नीडी को मेडिसिन दे दो तो दीज टाइप ऑफ रेमिडीज

सो लास्ट क्वेश्चन मेरा सबसे यही रहता कि हाउ वाज आई एज अ होस्ट कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस आगे अंदाजा ये मैं पहले ही जवाब दे चुकी हूँ बहुत अच्छा रहा मुझे बहुत अच्छा लगा आपके आपसे मिल के आप से मिलके, और मैं जो यंगस्टर्स में जो चीज़ देखती हूँ वो आपके अंदर मुझे दिख रही है तो वो एक जो एक सही टाइम पर एक सही पिकअप लेना वो बहुत ज़रूरी होता है वो हुँ. आपने किया है और वो मुझे दिख रहा है बहुत आगे जाओगे आई कैन से दैट देखो मैंने आपका कुछ नहीं देखा मैं हाँ। सिर्फ आपके सामने बैठी हूँ आपको देखा है बट एक वो जो पैशन मैं आपके अंदर देख रही हूँ प्लान आपको दे रहा है ना वो भी हाँ, जैसे मैंने मेरे को लगा कि जैसे मैंने कहीं पे दिखाया था उन्होंने कहा था मैंने इतना सीरियसली नहीं उस टाइम पे लिया था बट उन्होंने कहा था ये जो आपको जैसे मेरा बाहर जाने का बन रहा था बाहर पढ़ने जाना कह रहे थे वो राहू ही करा रहे कि आपको राहु ही भाड़ लेके जाता है और इतना एक्टिवनेस क्योंकि मैं बहुत बहुत एक्टिवली सोचता हूँ कि मतलब मेरा दिमाग यहाँ भी चल रहा है वहाँ भी चल रहा है मैं तीन चार चीज़ें एक साथ कर रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा बर्डन भी है एक तरीके से कि मतलब मैं मैं बहुत ज्यादा अकेले में रो पड़ता हूँ या ये हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर मैं ले लेता हूँ चंद्रमा आपका चेक कराया अपनी ट्वेंटी फोर इज सिक्स नंबर दैट इज वीनस राइट ठीक है तो वीनस की क्वालिटीज आपके अंदर आप जो ये कर रहे होस्टिंग और ये सब चीजें जो आपका एक पीपल क्या कहते हैं कि बहुत अच्छे होस्ट आप होते हो पहली हुँ, बात छ नंबर वाले छ नंबर वाले बड़े ऑर्गेनाइज होते हैं okay. और वो मैं आपको देख के समझ पा रही हूँ आपकी आंखें इतनी सुंदर हैं तो आपका शुक्र भी बहुत अच्छा होगा आपके पत्री में पत्री दिखाओ ना आपको <laughs> दिखा दो ना मुझे भेज देना डिटेल्स आई एस थ्री बैग ठीक है? हाँ. तो है तो वो शुक्र आपका बहुत स्ट्रांग है तो वो शुक्र ही आपको ये सारी चीजें दे रहा है शुक्र और राहु यही दो चीजें आपको यही दो ग्रह आपको ये सारी चीजें दे रहे हैं मीडिया एंड पब्लिकेशन मार्केटिंग आप इसमें जब आ रहे हो एंटर कर रहे हो इवन आई एम सिक्स आई एम ट्वेंटी

तो प्लीज हमारे को फीडबैक दो कि जैसे हम इंप्रूव करें कि क्या इसमें ऑडियो की गलती थी मैं गेस्ट को रोक रहा था इंटरप्ट कर रहा था या फिर कुछ भी एक्सरसाइजी जो आपको लगता है कि यार हम इंप्रूव कर सकते हैं क्योंकि आपने ही देखना इवेंचुअली है लास्ट में आपने ही देखना है आप ही के लिए बन रहा है तो आपसे हमें फीडबैक दो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो हमारे साथ काम करना चाहते हो या कुछ भी चीज करना चाहते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं हम व्हाट्सएप पे मैं मेरी टीम हम एक्टिव रहते हैं बहुत सारे लोग उसमें ऑलरेडी है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर लेना की जिससे हमारे को मोटिवेशन मिलती रहे एंड बस इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड थैंक्स थैंक यू सो मच